हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसल गैंग्लिया के बारे में, जो कि एक न्यूरो एनाटॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसल गैंग्लिया तो नाम में छुपा हुआ है गैंग्लिया वर्ड, और गैंग्लिया वर्ड में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। गैंग्लिया ये एक मिसनोमर है बेसिकली। यहां पे होना चाहिए था बेसल न्यूक्लियस, लेकिन दे रखा है बेसल गैंग्लिया। क्योंकि गैंग्लिया या न्यूक्लियस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, सेल बॉडीज का कलेक्शन होता है। अगर ये सेल बॉडीज का कलेक्शन सीएनएस के अंदर हो रहा है तो उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं जनरली, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो रहा है तो उसको गैंग्लिया बोलते हैं। लेकिन बेसल गैंग्लिया तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, तो होना चाहिए था बेसल न्यूक्लियस, लेकिन मिसनोमर है बेसल गैंग्लिया, लेकिन हम बोलते इसको बेसल गैंग्लिया ही है, ये याद रखना है मिसनोमर। तो सबसे पहले बात करेंगे फीचर्स के बारे में। तो पहले नाम में ही छिपा हुआ है बेसल गैंग्लिया। गैंग्लिया तो मैंने बता दिया कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है, न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडीज होती है ना, उनका कलेक्शन। बेसल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये प्रेजेंट होता है हमारे सेरिब्रल कोर्टेक्स के बेस पे, मतलब हमारे सेरिब्रम के बेस पे प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल कोर्टेक्स के बेस पे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सब कोर्टिकल। तो बेसल गैंग्लिया क्या होते हैं? सब कोर्टिकल, और सेरिब्रम के अंदर ही है। तो इंट्रा सेरिब्रल मासेज, सब कोर्टिकल इंट्रा सेरिब्रल मासेज ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्यों? क्योंकि सेल बॉडीज का कलेक्शन है। फॉर्मिंग इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम क्या है ये हम पढ़ चुके हैं हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्स वाले टॉपिक में, ठीक है? ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नाम से टॉपिक है, उसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल ही मेन हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक था, तो वहां से आप देख लेना। तो बेसल गैंग्लिया क्या है? सब कोर्टिकल इंट्रा सेरिब्रल मासेज ऑफ ग्रे मैटर फॉर्मिंग इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, ठीक है? ये हो गया इसके फीचर्स। अब बेसल गैंग्लिया में चार चीजें आएंगी बेसिकली, चार नहीं तीन ही आएंगी वैसे तो, हम एक को दो में फिर फर्दर डिवाइड करेंगे। तो तीन चीजें आएंगी। सबसे पहला इसमें होता है कॉर्पस स्ट्रिएटम। तीन अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है कॉर्पस स्ट्रिएटम, ठीक है, एक होता है एमिग्डलोइड बॉडी, और एक होता है क्लोस्ट्रम। तो तीन चीजें आती हैं बेसल गैंग्लिया के अंदर, कॉर्पस स्ट्रिएटम, एमिग्डलोइड बॉडी एंड क्लोस्ट्रम, ठीक है? तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पस स्ट्रिएटम की। तो कॉर्पस स्ट्रिएटम जो है वो पार्शियली डिवाइडेड होता है दो अलग अलग चीजों में। ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है? कॉर्पस स्ट्रिएटम क्या है? न्यूक्लियस है, पूरा बेसल गैंग्लिया ही न्यूक्लियस है। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक कॉर्पस स्ट्रिएटम होता है। तो जो कॉर्पस स्ट्रिएटम है उसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करता है कौन? इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल क्या है? इंटरनल कैप्सूल है व्हाइट मैटर, व्हाइट फाइबर्स का कलेक्शन है। जब वो इस एरिया में आता है, बताऊंगा कौन से एरिया में, इंटरनल कैप्सूल अगली टॉपिक हम कवर करेंगे। अभी तक ये समझो बस कि इंटरनल कैप्सूल व्हाइट मैटर है, व्हाइट फाइबर से बना हुआ इंटरनल कैप्सूल, और ये इंटरनल कैप्सूल कॉर्पस स्ट्रिएटम को दो अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड कर देता है। एक होता है कोडेट न्यूक्लियस और एक होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखो इस वाले डायग्राम में, ये जो प्रेजेंट है ये हमारा थैलेमस है, ये हमारा कोडेट न्यूक्लियस का हेड है, और ये हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। मैंने बोला ना दो हिस्सों में बट गया, एक कोडेट न्यूक्लियस एक लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। किसने डिवाइड किया है? इंटरनल कैप्सूल ने। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना ये वी शेप का, ये वाला व्हाइट एरिया, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटरनल कैप्सूल, जो कि जिसके फाइबर्स ऊपर की तरफ हमारे सेरिब्रम के अंदर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो इंटरनल कैप्सूल ने डिवाइड कर दिया हमारे जो कॉर्पस स्ट्रिएटम है उसको दो न्यूक्लियस में, एक होता है कोडेट न्यूक्लियस और एक होता है ये वाला, ये पूरा क्या है? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है? तो दोनों कोडेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस अभी भी जुड़े होते हैं, मतलब ये हमारा कोडेट न्यूक्लियस, ये पूरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये अभी भी जुड़े होते हैं कुछ ग्रे मैटर के फाइबर्स से। तो ग्रे मैटर से जुड़ेंगे क्योंकि न्यूक्लियस है, दोनों खुद ही ग्रे मैटर है, तो जुड़े भी ग्रे मैटर से ही है। तो दोनों के दोनों कनेक्टेड होते हैं बाय अ फ्यू बैंड्स ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है? दोनों ग्रे मैटर से जुड़े हुए हैं, और जिस वजह से इसकी अपीयरेंस आती है स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, मतलब ऐसे फाइबर्स जोड़ते हैं ना इनको तो स्ट्रिएशंस बनते हैं, जिसकी वजह से इसको कॉर्पस स्ट्रिएटम नाम दिया गया, ठीक है? अब हमने कॉर्पस स्ट्रिएटम को दो हिस्सों में बांट दिया था इंटरनल कैप्सूल के कारण। अब जो दो हिस्से थे उसमें से एक जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है प्यूटामेन और एक होता है ग्लोबस पेलाइडस। एक होता है प्यूटामेन और एक होता है ग्लोबस पेलाइडस। ये देखो ये पूरा हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, इसका जो पर्पल वाला पार्ट है ये वाला, ये है हमारा ग्लोबस पेलाइडस, और ये ब्लू वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट है इसका प्यूटामेन। तो प्यूटामेन प्लस ग्लोबस पेलाइडस मिलके क्या बनाते हैं? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो प्यूटामेन प्लस ग्लोबस पेलाइडस क्या बनाते हैं? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के दो पार्ट हो गए। प्यूटामेन जो है वो लेटरल पार्ट है,
देखो ना ये ब्लू वाला प्यूटामिन है ना, देखो ये प्यूटामिन ब्लू वाला है तो ये लेटरली है, ये वाली साइड लेटरल है, ये वाली साइड मीडियल है, तो लेटरली क्या प्रेजेंट है प्यूटामिन और मीडियली क्या प्रेजेंट है ग्लोबस पेलाइटिस। ठीक है अच्छा जी, तो जो ग्लोबस पेलाइटिस है उसका एक और नाम होता है याद रख लो पेलियोस्ट्रेटम, पेलियोस्ट्रेटम भी बोलते हैं ग्लोबस पेलाइटिस को। ठीक है फिर इसको पेलाइटम भी बोल देते हैं, बहुत से नाम आएंगे बुक में बीडीसी में जब आप पढ़ोगे तो देख लेना ये सब चीजें। अभी मैंने एक यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, सिंप्लीफाई किया मैंने ऊपर जो भी पढ़ा है उसको, मैंने लिखा है कि प्यूटामिन प्लस ग्लोबस पेलाइटिस क्या बना रहा है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इतना था। लेकिन अगर प्यूटामिन को कोडेट न्यूक्लियस के साथ अगर मैं कनेक्ट करूं, मतलब प्यूटामिन प्लस कोडेट न्यूक्लियस इसे हम क्या बोलेंगे स्ट्रिएटम, तो प्यूटामिन प्लस कोडेट न्यूक्लियस इसको हम बोलते हैं स्ट्रिएटम। तो प्यूटामिन और कोडेट न्यूक्लियस तो चला गया, अब क्या बचा ग्लोबस पेलाइटिस, तो अगर इसमें ग्लोबस पेलाइटिस भी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा कॉर्पस स्ट्रिएटम। देखो ना कॉर्पस स्ट्रिएटम में तो दोनों चीजें है ना, कोडेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, और लेंटिफॉर्म के दो पार्ट्स हैं, तो कोडेट न्यूक्लियस प्लस प्यूटामिन को स्ट्रिएटम बोलते हैं, और स्ट्रिएटम प्लस ग्लोबस पेलाइटिस मतलब कोडेट न्यूक्लियस प्लस प्यूटामिन प्लस ग्लोबस पेलाइटिस तीनों को मिला के कॉर्पस स्ट्रिएटम बोलते हैं, और प्यूटामिन प्लस ग्लोबस पेलाइटिस इसको क्या बोलते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है तो ये सब बातें हमने अभी तक कर ली। अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो एक तो हमारा क्या कंप्लीट हो गया कॉर्पस स्ट्रिएटम, मैंने बोला बेसल गैंग्लिया के तीन पार्ट्स होते हैं कॉर्पस स्ट्रिएटम, दूसरा होता है अमिग्डालोइड बॉडी, अमिग्डालोइड बॉडी क्या बनाता है लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट बनाता है। ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अमिग्डालोइड बॉडी, बस नाम याद रखना। उसके अलावा प्रेजेंट होता है क्लोस्ट्रम। ठीक है तो मैं डायग्राम दिखाता हूं क्लोस्ट्रम और अमिग्डालोइड बॉडी का, देखो ये वाला डायग्राम देखना आप, इसमें जो ये सी शेप का दिख रहा है ना आपको ये वाला, ये है हमारा कोडेट न्यूक्लियस जो किसकी कॉनकेविटी में बैठा हुआ है, इसके ऊपर जो पर्पल कलर में ये लेटरल वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल जो ब्रेन में मैंने बताया था लेटरल वेंट्रिकल जो है उसकी कॉनकेविटी में क्या प्रेजेंट होता है कोडेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो और जो कोडेट न्यूक्लियस की जो टेल होती है ना ये वाली जो हिस्सा है कोडेट न्यूक्लियस का टेल वाला हिस्सा, यहाँ पे कोने पे बिल्कुल टेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है ये ब्लैक कलर की अमिग्डालोइड बॉडी जो है ये प्रेजेंट होती है, टेल ऑफ द कोडेट न्यूक्लियस से जुड़ी हुई रहती है ये। ठीक है तो ये हो गया अमिग्डालोइड बॉडी। अब एक बचा क्लोस्ट्रम, क्लोस्ट्रम देखो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये रहा क्लोस्ट्रम, ये येलो कलर की जो शीट दिख रही है क्लोस्ट्रम है ग्रे मैटर। ठीक है क्योंकि हम बेसल गैंग्लिया ही पढ़ रहे हैं अभी, ग्रे मैटर ही है सब। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है कोडेट न्यूक्लियस, अब एक एक को ना डिटेल में पढ़ेंगे एक एक न्यूक्लियस को। तो कॉर्पस स्ट्रिएटम की बात सबसे पहले करेंगे, उसमें सबसे पहला न्यूक्लियस आता है कोडेट न्यूक्लियस। तो कोडेट न्यूक्लियस जो है वो सी शेप है, अभी अभी बताया मैंने सी शेप बोलते हैं या फिर इसको कोमा शेप बोलते हैं। ठीक है या तो सी शेप बोलेंगे या कोमा शेप, बेसिकली सी शेप ही आप इसको लेके चलना। तो ये हमारा जो ब्लू कलर में लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है ये हमारा कोडेट न्यूक्लियस है सी शेप का। ठीक है आप देखोगे सी शेप के अंदर कॉनकेविटी बन रही है, इस कॉनकेविटी में क्या लाई कर रहा है ये पिंक कलर में हमारा थैलेमस। तो थैलेमस इज प्रेजेंट इन द कॉनकेविटी ऑफ द कोडेट न्यूक्लियस, कोडेट न्यूक्लियस की कॉनकेविटी में क्या क्या प्रेजेंट है, एक थैलेमस प्रेजेंट होता है और ये जो फाइबर्स जा रहे हैं ना ये इंटरनल कैप्सूल के फाइबर्स है। तो दो चीजें प्रेजेंट होती है कॉनकेविटी ऑफ द कोडेट न्यूक्लियस में, वो है थैलेमस एंड द इंटरनल कैप्सूल, थैलेमस एंड द इंटरनल कैप्सूल। और कोडेट न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लेटरल वेंट्रिकल, ये देखो ये ब्लू कलर में कोडेट है ये पर्पल कलर में पूरा लेटरल वेंट्रिकल है, तो पूरा कोडेट न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द लेटरल वेंट्रिकल। अब कोडेट न्यूक्लियस के तीन अलग अलग हिस्से होते हैं, स्टार्टिंग वाला जो ये पार्ट है इसे हम बोलते हैं हेड ऑफ द कोडेट, ये पूरा ब्लू कलर कोडेट न्यूक्लियस है, इसका स्टार्टिंग का पार्ट होता है हेड ऑफ द कोडेट, फिर पार्ट होता है बॉडी ऑफ द कोडेट, और आखिरी में जो पार्ट है ये वाला इसे बोलते हैं टेल ऑफ द कोडेट। तो ये हेड ऑफ द कोडेट, ये बॉडी ऑफ द कोडेट और ये है टेल ऑफ द कोडेट। तो तीन पार्ट्स होते हैं कोडेट न्यूक्लियस के, हेड बॉडी एंड टेल। ठीक है तो तीन पार्ट्स हो गए। अब सबसे पहले चलते हैं हेड के रिलेशंस पे। ठीक है हेड, हेड मतलब ये वाला हिस्सा, और ये वाला जो डायग्राम है देखो ये वाला जो डायग्राम है ये तो अच्छे से जो मतलब ये कह सकते हो आप कि मैंने सेजाइटल सेक्शन ले रखा है ये कह सकते हैं इसमें, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये है हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रखा है मैंने। ठीक है हॉरिजॉन्टली ऐसे काटा है, तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में हमें सिर्फ हेड ऑफ द कोडेट न्यूक्लियस वाले लेवल पे काटा है, तो यहाँ पे सिर्फ हेड ऑफ द कोडेट ही देखने को मिल रहा है। ठीक है और ये वी शेप में क्या था इधर इंटरनल कैप्सूल याद रखना। तो हम रिलेशन देख रहे हैं हेड ऑफ द कोडेट के, तो हेड ऑफ द कोडेट इंटरनल कैप्सूल की कौन सी वॉल बना रहा है सोच के देखो। पहले मैं बताता हूं इंटरनल कैप्सूल के तीन अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आगे की तरफ जो पार्ट उसका हेड ऑफ द कोडेट और
इसके लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में लाई करता है, उसे हम बोलते हैं एंटीरियर लिंब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। उसके बाद जो पीछे वाला पार्ट है जो थैलेमस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर लिंब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। और दोनों के बीच में जो ये मोड़ आ रहा है, जो ये दोनों हिस्से जहां पे जुड़ते हैं, ये वाला जो मोड़ आ रहा है दोनों के बीच में, ये वाला एरिया, इसे हम बोलते हैं जेनु ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, तो तीन पार्ट्स होते हैं। तो हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस क्या बनाता है? मीडियल वॉल ऑफ द एंटीरियर लिंब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल की एंटीरियर लिंब की मीडियल वॉल कौन बना रहा है? हेड ऑफ द कॉर्डेट। तो हेड ऑफ द कॉर्डेट का एक रिलेशन क्या है कि ये क्या बनाता है? मीडियल वॉल ऑफ द एंटीरियर लिंब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, और इस डायग्राम में देखें तो ये क्या बना रहा है? हेड ऑफ द कॉर्डेट कहां प्रेजेंट है? लेटरल वेंट्रिकल के नीचे, मतलब फ्लोर ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। और कौन सा हिस्सा लेटरल वेंट्रिकल का? लेटरल वेंट्रिकल का आगे होता है हेड ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, सॉरी एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, मैंने गलत बोल दिया। लेटरल वेंट्रिकल में हमने पढ़ा था ना एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, इंफीरियर हॉर्न, अलग अलग हमने पार्ट्स पढ़े थे। तो एंटीरियर हॉर्न जो है लेटरल वेंट्रिकल का, उसका फ्लोर कौन बना रहा है? वो बनाता है हेड ऑफ द कॉर्डेट। तो हेड ऑफ द कॉर्डेट क्या बनाता है? फ्लोर ऑफ द एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल और मीडियल वॉल ऑफ द एंटीरियर लिंब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, उसके अलावा ये बात तो मैं बता चुका हूं कि जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है वो जुड़ा होता है हमारे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से, ग्रे मैटर से। ठीक है, और ये बैंड्स ऑफ ग्रे मैटर इसी एंटीरियर लिंब ऑफ इंटरनल कैप्सूल के थ्रू जाते हैं ना। ये देखो, ये जो मैंने रेड कलर में फाइबर्स बनाए थे, ये ग्रे मैटर ही तो है, ये ग्रे मैटर के फाइबर्स है जो हेड ऑफ द कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को जोड़ते हैं। और ये किसके थ्रू जा रहे हैं? एंटीरियर लिंब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। मैं एक बार बना देता हूं, ये पूरा हमारा इंटरनल कैप्सूल होता है, जो मैं येलो कलर में बना रहा हूं ना, ये एरिया इंटरनल कैप्सूल का एरिया। ठीक है, ये पूरा, ये वाला एरिया और ये पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, अब नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द कॉर्डेट। हमने हेड कंप्लीट कर लिया, अब बारी आती है बॉडी की। बॉडी मतलब ये वाला हिस्सा। अब ये वाला हिस्सा क्या बना रहा है? बना तो रहा है फ्लोर ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल ही, लेकिन लेटरल वेंट्रिकल के कौन से पार्ट का फ्लोर बना रहा है? ये बनाता है सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल का फ्लोर। ये वाला जो पार्ट है ना कॉर्डेट न्यूक्लियस का, ये जनरली लेटरल वेंट्रिकल के ऊपर वाले हिस्से का फ्लोर ही बनाएगा। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है बॉडी ऑफ कॉर्डेट, ये क्या बनाता है? लेटरल वेंट्रिकल के सेंट्रल पार्ट का फ्लोर बनाता है। उसके अलावा ये जो बॉडी ऑफ द कॉर्डेट है, ये पोस्टीरियर लिंब ऑफ इंटरनल कैप्सूल के मीडियली प्रेजेंट होती है। ठीक है, पोस्टीरियर लिंब ऑफ इंटरनल कैप्सूल के मीडियली होती है, और ये सेपरेटेड होता है थैलेमस से। मतलब ये बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस है और ये थैलेमस है पिंक कलर में। इन दोनों के बीच में दो चीजें प्रेजेंट होती है जो इन दोनों को अलग करती है, थैलेमस को बॉडी ऑफ द कॉर्डेट से। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक होता है स्ट्राया टर्मिनलिस, जो हम पढ़ चुके हैं हमारे थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, और एक होता है थैलेमोस्ट्राइट वेन। ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं दोनों के बीच में। किस किस के बीच में? बॉडी ऑफ द कॉर्डेट एंड थैलेमस के बीच में स्ट्राया टर्मिनलिस और थैलेमोस्ट्राइट वेन प्रेजेंट होती है। अब लास्ट पार्ट आता है टेल, मतलब ये वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट। तो टेल वाला पार्ट अब क्या बनाएगा? अब ये देखो, लेटरल वेंट्रिकल अब नीचे चला गया, अभी तक लेटरल वेंट्रिकल ऊपर था, अब लेटरल वेंट्रिकल कॉर्डेट न्यूक्लियस से नीचे चला गया। तो टेल ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस क्या बनाती है? रूफ ऑफ द इन्फीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। ये इन्फीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल है नीचे, इसकी रूफ कौन बना रहा है? टेल ऑफ द कॉर्डेट। तो टेल ऑफ द कॉर्डेट फॉर्म द रूफ ऑफ द इन्फीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। और ये टेल एंड कहां पे करती है? एमिग्डालोइड बॉडी से जुड़ जाती है, तो मैं बता चुका हूं। एंड्स बाय जॉइनिंग द एमिग्डालोइड बॉडी, ये बी नहीं आएगा, ए एम आएगा, एमिग्डालोइड बॉडी एट टेम्पोरल पोल। टेम्पोरल जो पोल है ब्रेन का, वहां पे ये जुड़ जाती है उससे। उसके अलावा टेल के चार रिलेशन हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? इसके मीडियली प्रेजेंट होती है स्ट्राया टर्मिनलिस, लेटरली क्या प्रेजेंट होता है? टेपेटम, जो हम पढ़ेंगे थोड़ी मतलब आने वाली वीडियोज में टेपेटम क्या होता है। इसके जो सुपीरियरली प्रेजेंट होता है वो है सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल। सब लेंटिफॉर्म मतलब इंटरनल कैप्सूल का वो पार्ट जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ग्लोबस पैलिडस प्रेजेंट होता है सुपीरियरली। तो दो चीजें सुपीरियरली प्रेजेंट होगी, एक मीडियली और एक लेटरली। मीडियल में स्ट्राया टर्मिनलिस, लेटरली टेपेटम, एंड सुपीरियरली ग्लोबस पैलिडस एंड इंटरनल कैप्सूल का सब लेंटिफॉर्म पार्ट। तो ये हो गए रिलेशन ऑफ द टेल, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमने बात कर ली हमारे कॉर्पस स्ट्रिएटम का एक हिस्सा, कौन सा? कॉर्डेट न्यूक्लियस की। उससे पहले जनरल हमने सारी बातें की थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की। ठीक है, तो और उसके बाद एक और वीडियो बनेगी जिसमें फंक्शंस ऑफ कॉर्पस स्ट्रिएटम की बात की जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।